देखते आंखों सुनते कानों अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आपके सामने अच्छी और सच्ची बातों के साथ हाजिर है और सलाम करता है। आज का शो मेरा है 189 शो और शो का टॉपिक है अच्छी सोचें। तो शो शुरू करने से पहले मैं तिलावत कलामे पाक पढ़ूंगा। तो आज की जो तिलावत है वो मलाकी की किताब उसका पहला बाब उसकी 6 आयत पढ़ूंगा सिर्फ। रब और फाज तुमको फरमाता है आए मेरे नाम की तहकीर करने वालों कहनो, आए मेरे नाम की तहकीर करने वालों कहनो, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो हम किसी बात में तेरे नाम की तहकीर नहीं की। दावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो मैं शुरू करता हूँ और सबसे पहले जो शो का टॉपिक मैंने बताया अच्छी सोचें, और अच्छी सोचें अगर हम अच्छी सोचें रखते हैं तो जरूर अच्छे काम भी होंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि हम अच्छी सोच रखें। तो सबसे पहले जो अच्छी सोच के हवाले से एक हवाला दिया गया वो जॉयस मेहर, बहुत बड़ी पास्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो वो लिखती है सोचे फल लाती है। बिल्कुल ठीक बात है कि जो हम सोचेंगे अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुराई का सोचेंगे तो फिर उसी लिहाज से हमें फल मिलेगा। अच्छी सोचेंगे और इनके अच्छे फल से आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। बुरी सोचें, बुरी चीजें सोचेंगे, बुरी चीजें सोचेंगे तो उनके फल से भी आपकी जिंदगी बुरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये है गोल्डन थॉट्स। अक्सर जॉयस मेहर की जो तहरीर आती है, जो भी वो हवाले देती है उसमें आखिर में लिखा आता है गोल्डन थॉट्स। बहुत खूबसूरत सोचे हैं उनकी, और अच्छी सोचें ही हमारे अच्छे काम काज के लिए, खूबसूरत बातों के लिए, जैसे कि जिंदगी बड़ी हो जाएगी तो उनके फल से आपकी जिंदगी बड़ी हो जाएगी। अगर हम अच्छी सोचे रखेंगे तो उसके फल से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो शहजाद गिल, अगली जो पोस्ट है शहजाद गिल, हद में रहना खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल सच्ची बात कि हमें एक हद में रहना चाहिए, और एक हद में रहना एक खुदावंद की बहुत बड़ी नेमत है। पानी से बढ़कर जाए तो तूफान बन जाता है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है। ये तो आम सी बातें हैं जो आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि जब शैतान इंसान बुरी सोचे रखता है, हद से ज्यादा बुरी सोचे बढ़ जाती है, तो फिर वो क्या बनता है, शैतान बनता है। फिर वो शैतानी काम करता है, शैतानी सोचे रखता है, वो खुदा को भूल जाता है और शैतान से दोस्ती कर लेता है। तो बहुत खूबसूरत शेर हैं दो, वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। ये आप समझे क्या बात है, वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बराबर, मेरी खातर बहाया है। ये एक बाप के लिए है कि जो अनपढ़ बाप थे, मजदूरियां करते थे,
हल चलाते थे लेकिन वो बिल्कुल अनपढ़ थे। लेकिन हमारी जिंदगी को, मेरी जिंदगी को, आप सब जो बहुत पढ़ ले गए हैं, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन नई नस्ल काफी काफी आगे जा रही है पढ़ाई लिखाई में, तो ये बहुत, लेकिन ये सारा क्रेडिट ये सिर्फ बाप को जाता है। ठीक है, माँ घर के काम चलाती, काम काज चलाती, आपकी तरबियत करती, लेकिन सबसे बढ़कर जो काम करता है वो बाप करता है, सारा दिन मजदूरी करता है। जैसे लिखा है, पसीना हद से बढ़ाकर भी मेरी खातर बहन, मतलब पसीना हद से बढ़कर मेरी खातर पसीना उसने बहाया और मेरी तालीम और तरबियत की। दूसरा शेर है, खड़ा रहता हूँ शाहों में अपना सर ऊंचा करके, खड़ा रहता हूँ शाहों में अपना सर ऊंचा करके, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया। बिल्कुल, इस बाप ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज बड़े बड़े लोगों में सर ऊंचा करके खड़ा रहता हूं, कि मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत शेर। तो ये ज़ेन नशीन रखे, इस बात को याद रखें कि हमारे बाप ने, बाप ही सबसे बड़ा और मजबूत सतून होता है घर का, घर को चलाने वाला, और अपनी किसी भी बात से, अपने खून पसीने से नहीं घबराता बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। तो उसको याद रखना चाहिए, जिस बाप ने भी, आज मैं हूं, आप हैं, किसी भी मकाम पर है, तो खुदा तो जरूर हमें यहाँ तक लाता है, लेकिन दुनियावी तौर मेहनत जो है वो हमारे वालदैन और सबसे बढ़कर हमारा बाप करता है। तो फिर जॉयस मेयर की बहुत खूबसूरत इबादत, और ये जो दो शेर मैंने बोले हैं ये उर्दू अदब से हैं। तो फिर जॉयस मेयर की पोस्ट, खुदा अपने वादे को पूरा करता है, इसमें कोई शक नहीं, आप देख रहे हैं कि खुदा ने जो वादे किए वो पूरे हो रहे हैं, खुदा अपने वादे को पूरा करता है, इसलिए मुकम्मल तौर पर उसके कलाम की बातों पर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, जो कुछ भी कलाम पर है, हमें पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि आपको समझता है, क्योंकि वो आपको समझता है, क्योंकि वो आपकी सबसे बेहतर जानता है। जितना खुदा बाप जो है, जिसने हमें बनाया, पैदा किया, वो हमको, हमसे बेहतर जानता है, हमारे दिलों दिमागों को जानता है, और भरोसा रखिए कि वो आपको रद्द नहीं करेगा। आप भरोसा रखें, ईमान रखें, उम्मीद से जो कुछ भी मांगे तो वो आपको रद्द नहीं करेगा, लेकिन उसमें शक और शुबा की बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपकी मदद करेगा। बिल्कुल कोई शक नहीं, वो हर वक्त हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, जो आपकी तरफ रहेगा और आपको बिला बिला मशरूत प्यार देगा। खुदा आपसे भी नाराज नहीं होगा, खुदा कभी भी सोचें जो होती है कि खुदा मुझसे नाराज है, नहीं। अगर हम अपनी गलतियों, गुनाहों को, जो कुछ भी है, किसी भी लेवल पे है, अगर हम सच्चे दिल से इकरार करते हैं तो खुदा हमसे नाराज नहीं, वो तो हर वक्त माफ करने को तैयार है। तो बैठा है, देखता है कि किस वक्त इंसान मेरी तरफ आए, माफी मांगे, कुछ मांगे, तो वो हमें देने को तैयार रहता है। वो आपसे कभी नाराज नहीं होगा, वो रहीम है, आपकी गलतियों को बर्दाश्त करता है। बिल्कुल, वो मेरी और आपकी गलतियों को बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो नाराज नहीं होता। अगर नाराज हो भी तो हम उससे मना सकते हैं, उसके सामने जाएं, अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार करें,
वो सारी नाराजगी दूर करता है, वो तो तैयार बैठा है हर वक्त 24 घंटे दिन रात तैयार बैठा है हमारी मदद करने के लिए। और आपकी सोच से मेरा शोई अच्छी सोचो है, अच्छी सोचे हैं और आपकी सोच से ज्यादा साबित है। बिल्कुल सही बात है, हमारी सोच क्या है, हमारी इंसानी सोच है वो तो खुदा की सोच है, तो खुदा इस लायक है कि आप उस पर भरोसा करें। बिल्कुल, वो इस लायक है कि हम उस पर भरोसा करें, वो हमारी मदद करने को तैयार बैठा है। तो ये सैमसन सोत्रा की पोस्ट है, लेकिन जो एक्चुअली लिखी वो जोइस मेहर, पास्टर जोइस मेहर ने। उसके बाद बहुत खूबसूरत एक बहुत अच्छी पोस्ट साकब तालब, जब हम खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, जब हम खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट, सच्ची पोस्ट, जब हम खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं। ये सही बात है, तजर्बे की बात, आप सब भी इन बातों को जानते हैं। मगर एक आध बार हकीकत बयान कर दी तो सबसे बुरे लगने लग जाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात, आप सच बोलना शुरू करें, बोलना चाहिए, शुरू नहीं करें। सच की तालीम जो है वो अच्छी सोचें लाती है, क्योंकि जाहिर है आप अच्छा सोचेंगे तो फिर सच ही आपके सामने आएगा, सच ही आपके मुंह से निकलेगा और दुनिया के सामने सच लाएंगे तो कोई ना कोई तो इस काबिल हो जाएगा कि आपके सच को मानना शुरू कर देगा और वो भी लोगों को पसंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम अपने सच पर कायम रहे तो फिर ये पोस्ट है साकब तालब की। फिर शहजादगर लिखता है, मैं तुमसे बारहा कह चुका हूं कि मैंने ऐसी फिजा में परवरिश पाई है जहां आजादी गफ्तार, आजादी ख्याल बहुत बड़ी बदतमीजी है, बहुत बड़ी बदतमीजी है, तस्वर बहुत बड़ी तस्वर बदतमीजी तस्वर की जाती है, जहां सच्ची बात कहने वाला, वही पहले वाली बात आ गई, जहां सच्ची बात कहने वाला ऐसे समझा जाता है जहां अपनी ख्वाहिशात का दबाना बहुत बड़ा स्वाब ख्याल किया जाता है। हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ऐसी फिजा पाई जाती है कि जहां गुफ्तार और आजादी ख्याल बहुत बड़ी बदतमीजी समझी जाता है। हम अपने मुल्क का ही देख लें, कल एक पोस्ट है, मैं आगे पढ़ूंगा वास्टन गिल के हवाले से कि उसने हॉलैंड में 13 अगस्त को हमारे मसीहों के लिए, खासतौर पर यहन्नाबाद के मसीहों के लिए एहतजाज किया और उस पर एक बंदे ने उसके खिलाफ बहुत कुछ लिख दिया। तो हम जो बाहर हैं, हमें तो आजादी है, जिसके मर्जी हम एहतजाज करें हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें शहर में भी, छोटे से शहर में भी, यहाँ भी काफी लोग हैं, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलकर सारी गवर्नर हाउस के सामने जाती है, हम इत्तेजाज करते हैं, नारे लगाते हैं, जो हमारा तरीकाकार है पाकिस्तान में, लेकिन हमने कोई नहीं रोकता। और पाकिस्तान में बैठे लोग हमारे लोगों की बुराइयां करते हैं इस मामले में, जहां हमें आजादी है किसी चीज की, लिखें बोलें जो मर्जी करें, एक कानून के दायरे के अंदर रहकर करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। और पाकिस्तान में बैठे लोग वास्टन गिल को बुरा कह रहे हैं कि ये क्यों उसने ऐसा किया। मैं आगे पोस्ट आएगी, मैं पढ़ूंगा, आपको सारी हकीकत बताऊंगा। तो शहजाद गिल साहब बहुत अच्छा, जहां सच्ची बात कहने वाला ऐसे समझा जाता है जहां अपनी खाश का जिताया दबाया दबाना बहुत बड़ा स्वाद किया। बिल्कुल सही बात है कि जहां पर अपनी खाश का इजहार करें उसको दबा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर आदल अमीन, बहुत खूबसूरत पंजाबी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आदल अमीन साहब,
पंजाबी बहुत सख्त है, अगर मैं कोई गलती करा तो मैं माफ करना, क्योंकि तुसी बहुत अच्छे शायर ते अच्छी सोचा में शायर ते खैर हुंदा ही अच्छी सोच है, वो दिमाग च अच्छी सोच ना हो ते कदी शायर नहीं शायरी नहीं करता। तो चूंकि शायरी एक इल्हाम ने, बिल्कुल इल्हाम ने, ते शायरी बहुत खूबसूरत लिखी आदल अमीन ने। मैं जद अपने घर जाना वा, मैं जद अपने घर जाना वा, बुए ते ही डर जाना वा, बुए ते ही डर जाना वा, के पता नहीं अंदर हालात कैसे होंगे, पता नहीं मैं किस हवाले ना कवा या उन्होंने किस हवाले ना लिखे, बहरहाल उन्होंने जरूर कहा कि मैं घर जाना ते बुए ते ही डर जाना। अखर जिंदड़ी लिखते लेना, अखर लफ्ज अल्फाज, अखर जिंदड़ी लिखते लेना, पढ़ते पढ़ते मर जाना, मैं जेड़े औखे लफ्ज लिख लेना फिर उन्होंने पढ़ते पढ़ते ही मैं मर जाना, क्योंकि मैं खुद ही सोचना कि मैं एडिया मुश्किल चीजा लिख दतिया, फिर मैं खुद भी पढ़ते पढ़ते मर जाना, परेशान हो जाना, सुपने मेरे दुश्मन ते नहीं, बिल्कुल ठीक गल है, सुपने मेरे दुश्मन ते नहीं, डर ना जावा, डर जाना वा, मैं इन सुपनों तो डरना भी हाँ पर डरदा नहीं भी हाँ, क्योंकि सुपने भी अच्छी सोच है, अगर तुसी रात नू सौंदे हो सारा दिन तुहाड़ियां सोचां अच्छियां होणगियां, रात में तुहाड़े सुपने भी अच्छे होंगे, अगर तुसी सारा दिन शैतानी गल्लां शैतान दियां गल्लां शैतानी करदार शैतानी ख्यालात रखोगे तो रात में ख्वाबा भी बुरियां ही होंगी। बहुत अच्छे आदल अमीन साहब, सके रिश्ते रीता वर्गे लैके अखां तुर जाना वा, लैके अखां तुर जाना वा, रिश्ते जेड़े सके ने, भैन भरा ने, चाचे ताए ने, ओ रीता ने, रस्मा वर्गे ने, ते मैं अपनी अखा लैके तुर जाना वा के शायद मैनू ओ बहुत अच्छा कहन। तुसी जानते हो रीता रस्मा दा की मतलब है, ते साडे रिश्तेदारियां किस किस्म दियां हुंदियां ने, सुपने वेखां ते नहीं डरदा, इत्थे कहन दे ने आदल साहब उत्थे डरदे ने, इतने कह रहे ने सुपने वेखा ते नहीं डरदा, वेना पिया ते डर जाना वा, जदों मैं वेना वा ते फिर मैं डर जाना वा, इत सुपने दा ना कि तुहानू सुपना किस किस्म दा आंदा, अच्छा सुपना ते तुसी कभी भी नहीं डरदे, सुबह उठ के खुदा का शुक्र करदे, जे शैतानी सुपना ते फिर भी खुदा को माफी मांगते कि खुदावंदा नींद ते बड़ी अच्छी सी पर बुरी खाब मैनू क्यों आई, की वजह सी, ते उसके बाद मूर्ख दिल दे आखे लग के, मूर्ख अपने आप नूं कह रहे ने, मूर्ख दिल दे आखे लग गए, रुक रुक भी जाना पर जाना वा, मूर्ख अपने आप नूं कह रहे कि जिवें असीं पंजाबी च कहिंदे ओ मूर्खा तेनूं कहड़ी गल की कमी है या तेनूं कहड़ी गल का पता नहीं गा, तो कह रहे ने कि मूर्ख दिल ते आखे लग गए, रुक भी जाना पर चला भी जाना, मैं फिर मैं उत्थे रुकना भी हाँ, दिल कटदा भी है ते दिल नहीं भी कटदा, लेकिन फिर भी मैं उत्थे चला ही जाना वा, जिथे रिश्ते रिश्ते बहुत ज्यादा ने, जिथे प्यार मुहब्बत है, मैं डरना भी लेकिन फिर मैं टुर जाना। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत, आदल नू जद आदत नू जद पर्दा वेखा, आदल नू जद हरदा हरदा सारी हरदा हरन तो हरदा, आदल नू जद हरदा वेखा, जिती बाजी हर जाना वा, बहुत खूबसूरत, आदल नू जद मैं हरदा वेखा, अपने आप नू कह रहे कि जदल आदल अपने आप नू हरदा वेखदा, कई बार असि अपने सज्जना दोस्तों प्यार करने असि जान के भी हर जाने, खुश हो जाए
आदल हर गया या मैं हर गया या कोई भी किसी नु खुश करने वास्ते बच्चों नु खुश करने वास्ते भी असि जान के हर जाने सजना यारा नु जिन्हां नु असि दिल दिता है दिल दे रहे बैठे हैं उन्हां दे सामने भी असि जान के हर जाने हैं ते जीती बासी हर जाना वा मैं ज्यादा अपने घर जाना वा बुए ते ही डर जाना पता नहीं उन अपनी बेगम को डरते ने किस हवाले न डरते ने भरन और लेंगे ने कहना बुए ते जाना तो फिर मैं डर जाना। बहुत अच्छे आदल साहब खताता नु बरकत दे बहुत खूबसूरत लिखा है। उसके बाद सिस्टर राहत अफसा इटली में बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। मेरी बहन अक्सर अब तो बहुत कम लेकिन फेसबुक पे अच्छे ख्याल आता है बहुत अच्छी कम्युनिटी का दर्द रखते अपनी मसीह बरादरी का। उन्होंने भी इसी हवाले से लोग का लिखा है कि हमारी सोचे क्या है किस किस्म की सोचे हैं लोग खुश नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है मैंने इनको परखा है लोग खुश नहीं होते ये आप भी जानते हैं आपने भी लोगों को परखा है आप उनसे मिलते जुलते हैं वो आप देख लेते हैं परख लेते हैं समझ जाते हैं तो चाहते लुटा कर भी। राहत अफ़ज़ा कह रही कि मैंने अपनी चाहते लुटा कर भी वक्त को तबाह करके भी अपना वक्त जाया करके भी अपने लोगों के लिए सब कुछ किया लेकिन मैंने इनको परखा वो बदले नहीं है सारे हक अदा करके उनकी हर ख्वाहिश को जिंदगी बनाकर मैंने सारा कुछ सारे उनके हक अदा किए उनकी हर ख्वाहिश को हर खुशी को अपनी जिंदगी बनाकर उनकी मदद की दर्द में मुसीबत में हौसले अदा करके किसी भी लिहाज से मैं दर्द में हूँ मुश्किल में हूँ किसी भी तरह मैं दुख तकलीफ मुसीबत में हूँ मैंने हर तरह से उनको हौसले अदा किए लेकिन वो इन हौसलों को नहीं समझते इसलिए उनकी सोचों में अच्छी बातें नहीं है। मैंने उनको परखा है लोग खुश नहीं होते लोग वाकई कभी भी नहीं खुश होते। अब जो मर्जी कर ले उस वक्त खुश होंगे जब आपका वक्त आ जाएगा फिर कहेंगे यार चंगा बंदा से अच्छा बंदा से लेकिन जिंदगी चुनू अच्छा नहीं क्या क्योंकि साडे लोग ने जिस तरह सिस्टर कह रही है राहत अफ़ज़ा मैंने उनको परखा जो कुछ भी मैंने उनके लिए किया मैंने उनको देखा परखा लोग कभी भी खुश नहीं होते। आगे एक पोस्ट आएगी तो फिर शहजादगिल दे दो पंजाबी शेर ने पता नहीं उन्होंने अपने ने जेड़ा अखियां ला के फेर लवे ओदी गल दा शिकवा की करना ओही गल है कि लोग कभी खुश नहीं होते वो अखे लगाए तब भी वो अखा ला लैन देर ला लैन तो कभी खुश नहीं होंगे ना लान वे कहते नहीं यार इन्हें तो कोई पुछता भी नहीं गा जेड़ा अखियां ला के फिर जावे ओदी गल दा शिकवा की करना गल अज दी करिए अज दे नाल कल दा शिकवा की करना जेड़ी गल अज दी अज ही करिए हुणे ही करिए फिर ओदा शिकवा की करना ओदे मुंह ते कर दियो बाद च की शिकवा करना कि भाई ये तू की कीता ये की करन दिया की है तेनू प्रॉब्लम ते ओदी अज दी गल दा शिकवा अज ही कर दो ते ओ ज्यादा अच्छा। जद इश्क दे औखे रिश्ते अखियां मीट के पैर बदाए जद इश्क दे पुरानी कहानियां वेखो ही रांझा सो सस्सी पुन्नू जो भी है ने तो आंदा जद इश्क दे औखे रिश्ते अखियां मीट के पैर बदाए जब अखियां मीट के प्यार कर दिता पैर बदा दिते अगले पासे असीं चले गए अखियां लाण लई इश्क करन लई ते फिर सर्दी रेत दा रोना की फिर छल फल दा शिकवा की करना फिर असीं किन्ने भी मुश्किल च पै जाइए सानू सस्सी वांगू रेत दे थलां ते भी चलना पवे ते सानू कदी भी शिकवा नहीं करना चाहीदा क्योंकि इश्क दी जरूरत ही है कुर्बानी दो इश्क वास्ते लेकिन सच्चे
हकीकी इश्क वास्ते सच्चा सब तो वड्डा इश्क ते उस मौला दा जिदे नाल असी इश्क करिए ते फिर असी हर गल लई तर जावांगे। बहुत अच्छे हमिल्टन डीन बहुत अच्छी है मेरे बड़े भाई, वो कहते हैं लोग कभी तनहा नहीं होते, लोग कभी तनखा नहीं होते जिनके साथ खूबसूरत ख्याल होते, जिनके साथ खूबसूरत सोचे होती है वो कभी तनहा नहीं होती। ये सच्ची बात है, तनहा होते हैं जो कुछ करने के काबिल नहीं होते, तनहाई में बैठे सोचे रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। वो अच्छी सोचे अगर रखें तो वो कभी भी तनहा नहीं होते अगर उनके ख्यालात अच्छे हो। बहुत अच्छे भाई जी, आपने बहुत अच्छी पोस्ट डाली है। ये जो भी मैं वास्टन गेल की बात कर रहा था, जो उन्होंने एहतजाज किया मसीहों के लिए हॉलैंड में, हॉलैंड के कॉन्सुलेट के सामने या मैसी के सामने, तो उसके बाद शायद एम गौरी ने बहुत अफसोस किया। वो कर रहे हैं अफसोस, ये पता नहीं सहाफी है, उन्होंने क्यों अफसोस किया कि एक आदमी अपने अच्छे लोगों के साथ मिलकर, हम ये आलम साहब आप क्यों नहीं वहां पर इत्तेजाज करते, आपने अखबारात में क्यों नहीं देते, नई हुकूमत आ गई है, नई तब्दीली के साथ है ये, तो आप जाए इमरान खान से बात करें, उनके लोगों से बात करें। भाई हमारे जो लोग हैं यूहन्नाबाद के मसीही लोग हैं उनको आजाद करो, उनका क्या कसूर है, उनके गिरजे भी जलाए, लोग भी उन्हीं के मरे और अंदर भी वही हैं। तो वास्टन गिल करते हैं तो आप इतराज कर रहे हैं, तो वो लिखते हैं नहायत अफसोस ये वो लोग हैं जो बहरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान की बात करते हैं। भाई पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम बाहर आ गए तो क्या हुआ, ये तो उसकी मर्जी, उस मौला की मर्जी को उसने हमें मौका दिया, हम बाहर आ गए लेकिन हम पाकिस्तान को तो नहीं भूले, हम पाकिस्तान की आजादी में बराबर के शरीक होते हैं, नई हुकूमत आई नया पाकिस्तान बन रहा है तो हम बराबर के शरीक हैं, कोई पूछे ना पूछे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो बराबर के शरीक हैं। तो कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन के साथ नाइंसाफी होती है ये तो मैं अपने शो में कहता रहता हूँ, हर वक्त कहता हूँ, मैंने कितने शो किए, पिछला शो भी मेरा यही था कि हम आजाद नहीं है, आजाद पाकिस्तान में हमें आजादी नहीं मिली। तो आगे इस पोस्ट का जवाब भी आ गया है, वो खुद ही इसका जवाब मुझे मिल गया। तो ये झूठ बोलते हैं वास्टन गेल साहब या सरवर बट्टी साहब या न्यूयॉर्क में लोग जो इत्तेजाज करते हैं, आल्बनी में करते हैं, बहुत जगहों पर हम मसीहों के लिए इत्तेजाज करते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। सिर्फ एक आदमी की ये सोच है, शायद एम गौरी, ये एम गौरी ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं जो बैरून मुल्क में अपनी मसीहों को मार रहे हैं। भाई हमने तो कभी भी मारा किसी मसीह को ना, हमारे ऊपर कोई हमला करने आया है, मैं शो करता हूँ, मुझे कभी किसी ने बुरा नहीं कहा, मेरे लोकल जितने भी मैं समझता हूँ मेरे सबसे ज्यादा शो देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, मसीही भाई देते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, सारी दुनिया से शो देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं, लेकिन कभी मुझे किसी ने बुरा नहीं कहा, या मेरे घर में आकर लोकल बंदे जो हमारी लोकल यहाँ की आल्बनी की कम्युनिटी है, मिलते हैं जाते हैं सलाम दुआ करते हैं, काफी सीनियर हूँ उनसे, कभी मुझे शाबाशी दी है, कभी किसी ने कहा यार तू की करण नहीं है, कभी किसी ने मुझे नहीं बुरा कहा। तो ना मैं वास्टन गिल को बुरा कहता हूँ, मैंने तो कई बार उसका अपने शो में बोला कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा आदमी काम करता है तो हमें उसको शाबाश देनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, हम उसको बुरा कहते हैं, लेकिन वास्टन गिल आप लगे रहो डटे रहो, खुदा आपको बरकत देगा, अपनी कौम के लिए जो कुछ कर सकते वो करते रहो, हमने कभी किसी मसीह को नहीं मारा, लानत है इन पर, क्या बात, लानत है इन पर, कोई वास्टन गिल भाई क्यों हमारे ऊपर लानत भेज रहे हो, हमने क्या बुराई की है,
पाकिस्तानी मसीहों की बात करते हैं, वास्टन नामी शख्स जो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहा है। यार क्यों नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, वास्टन गिल भी पाकिस्तानी है, उसके भी फैमिली पाकिस्तान में लाहौर का है, तो क्या ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की आजादी की बात कर रहा है, उन मसीहों की आजादी की बात कर रहे हैं जो इतने सालों से एक आदमी नवाज शरीफ के लिए, वो भी मसीह कम्युनिटी का मेरे ख्याल है, संगल डाल के जंजीरें डाल के एहतजाज कर रहा है, तो अपनी मसीह कौम के लिए क्यों नहीं वो एहतजाज करता, क्यों नहीं गवर्नर हाउस के सामने, वजीर आला हाउस के सामने 5-10 बंदे लेकर सबके गले में संगठ डाले और कहे भाई हमारे मसीहों को आजाद करो, हमारा क्या कसूर, हमारी मसीही कौम का क्या कसूर, हम खुद तो कुछ करते नहीं, नवाज शरीफ जो करोड़पति अरबपति बंदा है तो जाहिर है कोई कसूर है तो अंदर हुआ है ना, हम उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और उसके बेटे को, शहबाज शरीफ के बेटे को हाथ मिला रहे, देखो जी मैं कितना बड़ा कारनामा कर रहा, ये है हमारी सोच। आप पाकिस्तान में क्यों नहीं एहतजाज करते, अगर हम बार बात करते हैं तो आप बुरा मनाते हैं, हम किसी मसीह को नहीं मानते हैं, हम उनके लिए बुराई नहीं करते ना उनके लिए बुरी सोच रखते हैं, तो 13 अगस्त के दिन को झूठा एहतजाज कर रहा था, क्या बात, ये झूठ है, क्या ये झूठ है कि कितने मसीह जो अंदर हैं योहन्नाबाद के, तो ये क्या झूठी बात है, या उनके एहतजाज करना कोई झूठी बात है, इसमें कोई चाल थी, अब नतीजा सामने, पता नहीं भाई कोई चाल थी, कई बार मैंने देखा वास्टन गिल को एहतजाज करते एम्बेसी के सामने, कॉन्सुलेट के सामने, उनके लोगों के साथ बातें करते, क्रैक डाउन वाले हजरात ऐसे लोगों को, हम ऐसे लोगों के लिए हम एहतजाज करेंगे, सहाफी होते हुए, क्या बात है, ये सहाफी हैं जी, गौरी साहब सहाफी हैं, सहाफी होते हुए मेरा फर्ज है कि अखबारात में भी जल्द शायद करूंगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल करो भाई जी, आपका हक है, लिखो जो कुछ मर्जी लिखो वास्टन गिल के खिलाफ, लेकिन ये जरूर लिखना सा कि वो मसीहों के हक के लिए एहतजाज कर रहा था, बहुत अच्छा है, आपने अगर आप सहाफी हैं तो ये क्यों नहीं लिखते के सारा वाक्य लिखो योहन्नाबाद का, ये भी इश्तार दो उनको आजाद करो, वो आपको लोग शाबाश देंगे, तो इसके बाद इसका जवाब आ गया, ये बड़ी अच्छी बात, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं शो लिखता हूँ, जो सवाल आता है उसका जवाब भी, जब मैंने ये तहरीर लिख ली एम गौरी साहब की, तो शायद एम गौरी की, तो जैसे मैंने तहरीर खत्म की तो सामने उसका जवाब आ गया, जीसस इज कमिंग सून, ये पोस्ट है, और सहेल जावेद साहब ने ये लिखते हैं, कमी अपने मसीह कौम की खानी जो हकीकत है, अपने मसीह कौम अब तक की खानी जो हकीकत है कि पाकिस्तान के दुखी मजलूम मसीहों की फरियाद पर फरियाद बड़े सगीर पाको हिंद में मुसलमानों को मजहबी आजादी माशरती आजादी तो मिल गई, मुसलमानों को हिंदुओं को उनको रहन सहन के हिसाब से आजादी तो मिल गई, लेकिन आगे लिखते हैं हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, बिल्कुल सच्ची बात है, जहां वो आजादी से रह रहे हैं, बंगालियों को बांग्लादेश मिल गया, वो आजादी से रह रहे हैं, मसीहों को ना हिंदुस्तान में सुख नसीब था, ये बिल्कुल ठीक बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि मसीहों के साथ वहां भी क्या किस किस्म का हिंदू खासतौर पर तस्वी लोग जो थे हिंदू और मुसलमान क्या इनके साथ बर्ताव करते थे, तो हम कहां जाए, मसीहों को ना हिंदुस्तान में सुख नसीब हुआ, ना बांग्लादेश में और ना पाकिस्तान में, हम हक के आजादी का क्या करें,
हम अपने हक की आजादी के लिए क्या करें, कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि जिस मुल्क को हमने वोट दिया हमारे बड़ों ने, उन्होंने तो हमारी कदर नहीं की, वो हमें आजादी दे समझते नहीं है और ना कोई आजादी वाला काम करते हैं। तो हम क्या करें, हमने अपने मुल्क में ही बेगाना है। बिल्कुल सच्ची बात है, हम अपने मुल्क में ही बेगाना है। इस मुल्क में तेरी तीसरी खिदमत करते हुए, हम इस मुल्क की तेजी से खिदमत करते हुए जहालत के अंधेरों में देरों को हम मटाएं। बिल्कुल जहालत के अंधेरों को हम मटाएं। जब ये इमरान खान वजीर आजम बन गए तो मुझे पहले भी थोड़ी हिस्ट्री पता है इसकी, जब क्रिकेट खेलता था तो वो कैथीड्रल का पढ़ा, सेंट एंथनी का पढ़ा, एक मिशनरी स्कूल का पढ़ा। तो वो जैसे इसने लिखा है, इस मुल्क की जहालत को हम खत्म करते हैं। फिर एचिसन में पढ़ा, फिर बरून मुल्क पढ़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सियासत की। तो ये सारी खिदमत क्रिश्चियन के मसीहों के जुमे है कि कितने स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल। मुझे याद है जब मुस्तफा खर गवर्नर बना तो वो सीधा मुल्तान में गया, सिस्टर का नाम मुझे भूल गया, जो कतरी वो है कॉन्वेंट है, वहां गया और उसने वहां जाकर सलाम किया कि मैं यहाँ से, मैंने प्राइमरी स्कूल की, उस वक्त प्राइमरी तक बच्चे लेते थे क्योंकि वो लड़कियों का स्कूल है। तो ऐसे और भी कई वाक्य हैं। ये अपना गलानी साहब जो मुल्तान के हैं, ये शाह महमूद, ये सबला साल मुल्तान के पड़े हुए हैं। तो ये खिदमत हमारे जुमे है। इस मुल्क में गन डालने वाला और कोई नहीं, सफाई की खिदमत हम अंजाम दें। इस मुल्क के बीमारों की तमारदारी हम करें। मुल्क के पुरअमन लोग भी हैं, मुल्क के पुरअमन लोग भी हम ही हैं और जुल्म का शिकार भी हम ही हैं। हम ही रहें तेरे दर्जा के शहरी भी तस्वर ना किए जाएं। हर वक्त खौफ और खतरा में रहें तो हम कहां जाएं। ये बात आलम साहब ऐसी बात लिखे, अगर आप सहाफी हैं तो ये बहुत खूबसूरत लिखा सुहेल जुवेद ने आजादी के मुतल्लिक। और मैं अक्सर इस बात पे बहुत बोलता, मैं भी एक मसीही, मुझे भी अपनी मसीही कौम का दर्द है, मुझे भी अपने मुल्क का दर्द उतना ही है जितना मुसलमानों को है या और कितने दुनिया रहती, चाहे वो हिंदू है, सिख है, किसी भी लिहाज से। तो अक्सर अकाल से परसों से बात आ रही, जब इमरान खान की तकरीर के बाद काफी लोगों ने लिखा कि हम मसीहों का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। भाई हमारी मसीही कोई लीडरशिप ही नहीं है, कोई MNA कोई है ही नहीं। हम तो इमरान की मुखालफत कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। काली किसी ने उसकी बीवी के मतलब लिखा हुआ था, मैं नहीं जानता, भारत अच्छी औरत है, पर्दे में है, इमरान खुद भी मैंने देखा, वो तस्वीर उसके हाथ में थी, तो अच्छी बीवी की वजह से वो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, मतलब नमाज पढ़ता है, सब कुछ, एक खिलाड़ी था। लेकिन उम्र के साथ खुदा ने उसको बक्कत दे दी, अच्छी बीवी दे दी, और किसी ने कहा जी इस 5 बच्चों की माँ है और बाहर कर उधर चली। क्या बात है, ये हम बुराई सोचते, हम अच्छाई की तरफ हम नहीं सोचते। तो खुदा करे इमरान जो कुछ वो कह रहा है वो जरूर, अगर हम अपनी क्यादत को लेकर उनके पास जाए तो जरूर वो हमारी सुनेगा। परसों खबरों में देख रहा था कि अपने CNC साहब जो चीफ ऑफ आर्मी है, उन्होंने सारे मिशनरियों को बुलाया हुआ था, बिशप साहबान को, और इस चीज का इरादा किया उसने कि मसीही कौम का काफी बहुत बड़ा किरदार है जो इस मुल्क में पाकिस्तान में है। तो इसका जो इसके बाद वो लिखते हैं सहेल जवेद साहब, मुसलमान अमेरिका में खुश हैं, बिल्कुल बहुत खुश हैं, एक सुपर पावर में रहते हैं। मुसलमान बरतानिया में खुश हैं, मुसलमान कनाडा में खुश हैं, मुसलमान पाकिस्तान में खुश हैं, जाहिर उनका मुल्क है वो खुश है, मुसलमान अरबस्तान
और शाम और रान में खुश नहीं। अरबस्तान मतलब अरबे सऊदीया में ये जितने भी अरबी मुल्क है वहां खुश नहीं, मुसलमान अफगानिस्तान में खुश नहीं इसलिए कि वहां पर हालात अच्छे नहीं, सोमालिया में खुश नहीं। बुनियादी तौर पर हर मुसलमान इस जगह में खुश है जो इस्लामी मुल्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बर्तानिया में इतने मुसलमान हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये न्यूयॉर्क में जाए एक बाजार है पूरा, जहां पर उनके होटल जो कारोबार खूबसूरत चीजें जो भी पाकिस्तानी चीजें खरीद रहे हैं तो ये मुसलमानों के हैं। वो खुश है वहां पर कि अमेरिका जैसे मुल्क में जैक्सन हाइट के खुश है, उन्होंने इतने इतने कारोबार यहाँ पर भी किए हुए हैं जो इस्लामी मुल्क नहीं। मगर वो गैर इस्लामी मुल्क में जाकर वही इस्लामी कानून लाना चाहते हैं जिस वजह से वो ना खुश कर निकले। बिल्कुल ये सही बात है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वो नहीं रहते, पाकिस्तानी लिबास पहनते हैं, बीबियां पूरा बुरके पूरा नकाब हर चीज पहनते हैं, वो नहीं डरते, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो चाहते हैं कि उनके कानून नाफिज हो जाए, जो चाहते हैं वो हम अपनी मर्जी से करें। एक दो दिन काफी दिनों से एक लतीफा आ रहा है कि कोई अंग्रेज बड़े गुस्से से कह रहा है पाकिस्तानियों को निकल जाओ यहाँ से, अगर आपने इधर ही आना था तो हमें क्यों हिंदुस्तान से निकाला। ये बात तो सच्ची है, क्यों निकाला था अगर बर्तानिया में अमेरिका में यूरोप में आप पैसे दे के ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर बाहर जाना चाहते हैं तो फिर वो अंग्रेज की तो बात सच्ची है भाई, क्यों हमें निकाला था आपने, हमें उधर ही रहने देते तो बाकी जो काम अंग्रेजों ने किए खासतौर पर पाकिस्तान में वो आज तक 70 सालों में कुछ नहीं कर सका। उनको वही है, किसी नई चीज का इजाफा नहीं हुआ। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरी बातें सुनते हैं और मुझे कमेंट्स भी देते हैं, शाबाश भी देते हैं। मेरे शो में अगर 50 सुन लेना तो मैं खुश हो जाता हूँ, 50 का हिंसा जब क्रॉस हो जाता मैं खुश हो जाता हूँ। तो 100, 200, 300 तक भी जाते हैं, सुनते हैं लोग, शाबाश भी देते हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आने वाली जो हुकूमत बन गई है, नया पाकिस्तान की हुकूमत बन गई, तब्दीली लाने के लिए सारी कल तकरीर मैंने सुनी तो एक बंदे ने जब तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए दुआ करें, क्योंकि अच्छे बंदे को वो टांग देते हैं। दुआ करें खुदा उसके साथ हो, आप भी दुआ करें कि खुदा बाप उमरान को ये सारी अच्छी कोशिशें अच्छी सोचें, आज का शो है अच्छी सोचें, तो उमरान की जब सोचें अच्छी हैं, पाकिस्तान के लिए सोचें अच्छी हैं, चाहे हम मसीह हैं, अगर हम मसीही एक दूसरे के खिलाफ क्यों बातें करें, हम सब मिलकर हमें अच्छा लीडर कोई तलाश करें, हम सब मिलकर उनके साथ जाएं। भाई जी हमें तीसरी दर्जे का क्यों शहरी समझाते, हमारे साथ क्यों जाते हो, सब उनके पास जाएं, तो मैं समझता हूं कि वो जरूर हमारी बातों को सुनेगा। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है, खुदा हम सबको आप जितने पाकिस्तान में हैं बाहर हैं मसीह जहां पर भी हैं आप सबको अपनी हिफाजत में निगरानी में रखे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।